इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर साहब, पल्लवी? पल्लवी, व्हाट्स गोइंग ऑन? रॉकी जी, इनका कहना है कि आप इनके हस्बैंड हैं और आप इन्हें छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मैं? आप एक बड़े सेलिब्रिटी, अगर आप ऐसा करेंगे तो समाज पर इसका क्या असर होगा? बेहतर होगा कि आप अपनी पत्नी के साथ जाएं। बीवी, तेरे होश तो ठिकाने हैं कि नहीं कुड़िये? ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? आंटी जी प्लीज, आप इन्हें डराने धमकाने की कोशिश भी मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं रॉकी नहीं बल्कि कुंज हूँ, और ये मेरी डॉक्टर है जिन्होंने अपने हस्बैंड का फेस मुझे दिया है। पल्लवी, तुम चुप क्यों? बताओ इन्हें। क्या यू मीन टू से प्लास्टिक सर्जरी? कमाल करते हो रॉकी जी आप, ये कोई टेलीविजन शो नहीं है जो प्लास्टिक सर्जरी चलेगा। मिस्टर रॉकी, आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है, सारे प्रमाण है कि आप इनके हस्बैंड हैं। एल्बम सी। पल्लवी, what the hell is this? What's happening? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? देखा आपने इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर साहब, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सच कह रहे हैं। मेरी और कुंज की शादी हुई कई साल हो गए, ये पल्लवी झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक एक्सीडेंट की वजह से मैं अपने परिवार से 5 साल दूर था। उस एक्सीडेंट की वजह से मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया था। पल्लवी ने मुझे अपने हस्बैंड का चेहरा दिया और वो भी मुझे बिना बताए। और अब जब मैं अपने परिवार के पास वापस आ गया तो अपनी पत्नी से दोबारा शादी कर रहा हूं। That's it. ठीक है, अगर ट्विंकल आपकी पत्नी है तो आप इसके सबूत मुझे दे दीजिए। ऑफ कोर्स, आइए मेरे साथ। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये रही मेरी मैरिज सर्टिफिकेट, देखिए। विनर ऑफ गोल्डन ग्लोब्स 2015, नाइस, वेरी नाइस। एक मिनट, सर्टिफिकेट यहां नहीं है। पासपोर्ट, मेरे पासपोर्ट में मेरे स्पाउस का नाम ट्विंकल शर्मा है। एक मिनट, ट्विंकल यहां पासपोर्ट भी नहीं है। कौन? हमारी हमारी मैरिज एल्बम, हाँ वो लेके आते। वेडिंग एल्बम यही रखी थी मैंने। क्या चल रहा है ये मिस्टर रॉकी? व्हाई यू आर वेस्टिंग आवर टाइम? आपके कमरे में आपकी रखी हुई चीज आपको नहीं मिल रही है? कमाल कर रहे हैं, अरे कितना झूठ बोलेंगे आप सब। मैं झूठ नहीं बोल रहा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, आज तक मैंने सब कुछ चुपचाप सहा। अपने हस्बैंड की बेवफाई, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और अब जब वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो मैं चुपचाप कैसे देखूं? इसीलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। वाओ, यू भी मानना पड़ेगा, क्या सेटअप किया है तुमने। ट्विंकल चाहिए, हाँ ट्विंकल चाहिए।
कुंज सर ना, ट्विंकल को पाने के तेरे सारे अरमानों में आग मैं ही लगाने वाला हूं। वक्त आ गया है तेरा वजूद मिटाने का कुंसरना। प्रूफ, यहां कुंसरना गायब और वहां रॉकी सिंह जिंदा, यानी पल्लवी का प्रेविट। एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ट्विंकल ही मेरी बीवी है। आई एम सॉरी, लेकिन आपके शादी का रिकॉर्ड यहां नहीं है। पर सर, ऐसा कैसे हो सकता? आप चाहे तो आप भी चेक कर सकते हैं। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? आप ही के स्टूडेंट ने हमारी शादी के सारी फोटोग्राफ्स ली थी। आपके पास कहीं ना कहीं उसके रिकॉर्ड्स होंगे ना? सॉरी सर, लेकिन इतने साल पुरानी बात कैसे याद रहेगी? अब इस बीच कितने ही फोटोग्राफर्स आए और गए। आप प्लीज कोशिश कीजिए। लेकिन सर, हमारे रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये क्या मजाक लगा रखा है मिस्टर रॉकी? फिंगरप्रिंट्स तो नहीं बदल सकते ना। मेरे और पल्लवी के हस्बैंड के फिंगरप्रिंट्स कभी मैच नहीं करेंगे। आप फिंगरप्रिंट्स चेक करवाइए, सारा सच साबित हो जाएगा। इन सारे आईडी प्रूफ पे जो फिंगरप्रिंट्स है वो इन्हीं के हैं। रॉकी ही रेवेंथ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब यूवी और पल्लवी साथ हो तो कुछ भी हो सकता है कुंज। यूवी ने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स यहाँ चिपका दिए। स्मार्ट ना? मिस्टर रॉकी, अभी तक जितने भी एविडेंस मिले हैं सब आपके खिलाफ हैं। इसका मतलब है कि पल्लवी ही आपकी पत्नी है, ना कि ट्विंकल। और जब इन्होंने कंप्लेन किया है तो आपको इनके साथ जाना ही होगा। नेवर। पल्लवी नहीं बल्कि ट्विंकल मेरी बीवी है और मैं ट्विंकल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो माफ कीजिएगा मिस्टर रॉकी, मजबूरन मुझे अरेस्ट करना होगा आपको। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सारे सबूत बिल्कुल झूठे। इनफैक्ट ये सारे सबूत पल्लवी ने ही इकट्ठे किए। इट्स ओके ट्विंकल, हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पल्लवी, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। जिस कुंज को तुम अपना दोस्त दोस्त कहती हो, आज उसी के भरोसे का खून कर दिया तुमने। शेम ऑन यू। उजा शर्म ट्विंकल, मैं जो कह रही हूं ना सही कह रही हूं। अपना हाथ मांग रही हूं मैं। जस्ट बैक ऑफ। ओके, एक्सक्यूज मी, हक किस हक की बात कर रही हो तुम? पल्लवी होश में आओ और बंद करो अपना ये पागलपन। मैं तुम्हारा कभी नहीं था। 5 साल पहले भी मैं ट्विंकल का था और आज भी ट्विंकल का हूं। और तुम हो कौन? अपने पति की याद में किसी पराए मर्द में उसके अक्स को ढूंढने वाली एक साइकोपैथ। तुम्हारे साथ कोई रिश्ते में बनने से तो अच्छा
मैं जेल चला जाऊं। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। अरे कौन कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा मत कीजिए आप। हाँ इंस्पेक्टर साहब। कुंज कुछ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। ये पल्लवी चाहे कितनी भी कोशिश करे ये हम दोनों को कभी अलग नहीं कर पाएगी। आई नो ट्विंकल, आई लव यू। ले चले सर। ट्विंकल तुम जो चाहो ना कर लो, मैं भी देखती हूं। पहले मुझे रॉकी को कुंज साबित करना था, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि कुंज पल्लवी का हस्बैंड नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे प्रूफ करूं, कैसे प्रूफ करूं कि पल्लवी झूठ बोल रही है। इसका मतलब पल्लवी ने मुझे जो फोटोग्राफ्स दिखाई थी वो एक्चुअली कुंज की नहीं उसके हस्बैंड रेवंत की थी, और पल्लवी ने कुंज को अपने हस्बैंड रेवंत का चेहरा दिया। इसका मतलब वो ये प्रूफ करना चाहती है कि कुंज रेवंत है। ओह नो, ऐसे तो ट्विंकल सब कुछ फिगर आउट कर देगी, मुझे उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ट्विंकल यूवी तू यहां आ गया, तुझे कितनी बार बोलूं कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी, आई डोंट ट्रस्ट यू, जस्ट चला जा यहां से। ट्विंकल मैं सिर्फ तेरी हेल्प करने आया था यहाँ पे, मुझे जैसे ही पता चला कि कुंज अरेस्ट हो गया उसकी बेल में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने अपने कॉन्टैक्ट से कह के उसकी बेल प्रोसेस करवा दी। लुक आई जस्ट केम एज अ फ्रेंड जस्ट टू सपोर्ट यू, अगर तुझे मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है तो प्लीज टेल मी, मैं चला जाऊंगा ऐसे। यूवी तू सच में मेरी हेल्प करना चाहता है? ऑफ कोर्स ट्विंकल, तू जानती है ना कोई रहे या ना रहे तेरा यूवी हमेशा तेरा साथ देगा एंड तक। फाइन, कुछ होगा तो मैं तुझे बताऊंगी, अभी मुझे जाना। फाइनली वेट इज ओवर, अब तुम मेरे पास होगे। Are you sure? तुम ट्विंकल को जितना डम समझती हो उतनी डम वो है नहीं, बस थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट है उससे। उसने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया कि रेवान तुम्हारा हस्बैंड था, वो ये चीज प्रूव करने में लगी पड़ी। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा ट्विंकल को रोकने की, लेकिन तुम्हें जल्दी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुंज के पास तुमसे शादी करने के अलावा कोई और ऑप्शन ना हो। और आई शुड वॉर्न यू, वार्निंग देने हैं। खुद को बचा सकती हो तो बचा लो डॉक्टर पल्लव, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तुम्हें एक्सपोज करने वाली। एक बात याद रखो, कुंज तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, ये एक पत्नी का वादा है तुमसे, तो हारने के लिए तैयार हो। एंड योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ।
काउंटडाउन तो कब का स्टार हो चुका है ट्विंकल। अब कुंज को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। Who are you? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सॉरी मैम, हमारे पास डॉक्टर पल्लवी की फैमिली डिटेल्स नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा लेकिन कोई तो डिटेल्स होंगी, आप अच्छे से चेक कीजिए ना, स्कूल कॉलेज उसके फ्रेंड्स, कोई डिटेल्स। ओके लेट मी चेक। यस मैम, उन्होंने चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली है, इसके अलावा हमारे पास और कोई डिटेल्स नहीं है। कूल, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा जी। पल्लवी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो मिली? आई एम श्योर चंडीगढ़ में उसके कॉलेज से मुझे उसके बारे में और डिटेल जरूर मिल जाएंगे। मुझे उसके कॉलेज जाना चाहिए। हे, एनी डेवलपमेंट्स? कुछ हेल्प चाहिए क्या तुझे? नो थैंक्स, आई कैन मैनेज। लुक ट्विंकल, आई नो तू मुझ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है फाइन, मत बता तू अपने प्लान्स मुझे, लेकिन एज अ फ्रेंड नहीं, एज अ ड्राइवर ही सही। प्लीज लेट मी टेक यू टू प्लेसेस, इट्स नॉट सेफ यार, तू जानती है। तू जहां भी जाएगी मैं तुझे ले जाऊंगा। इज इट फाइन विद यू? फाइन। रेवंत, कम ऑन रेवंत, आप उस फोल्डर में चेक कीजिए जल्दी। ये फोल्डर क्यों नहीं खुल रहा है और ये लैपटॉप को क्या हुआ है? लगता है सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया। सो सॉरी मैम। इसे कैसे वायरस आ गया? सॉरी ट्विंकल, आई हैड टू डू दिस, क्योंकि जब कुंज पल्लवी का होगा तभी तो तू मेरी होगी। क्या कर रहा तू यार? फिर से मेरी हेल्प करने का ड्रामा करने आया है? यू वी जस्ट स्टॉप इट। ट्विंकल को इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कर, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बेल तूने नहीं कर पाई। व्हाट? हाँ ट्विंकल, मेरी बेल इसने नहीं बल्कि बेबे और लीला माने करवाई है। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक लॉयर मिला है जो मेरा केस लड़ने के लिए तैयार हो गया है। आई कांट बिलीव दिस यू। यू भी तू कब अपने गेम और मैनिपुलेशंस बंद करेगा? तू कब सुधरेगा? चला जाए यहां से, जस्ट लीव। Wow, I don't believe this. वैसे मानना पड़ेगा कुंज, है तो एक नंबर का खिलाड़ी। This is unbelievable, यार। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके ट्विंकल को पटा रहा था, लेकिन है तो एक नंबर का चीप स्टार। कौन सी नई बकवास करने आया तू? ट्विंकल, चाहे तो मुझे सेल्फिश कहे या फिर मीन कहे, लेकिन एक फैक्ट है जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं।
एंड यू वोंट डिनाई इट। मैं तुझे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, आई लव यू लाइक मैड, पर आज तक मैंने कोई और लड़की के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन कुंज, सीट फॉर योरसेल्फ, तब तुझे पता लगेगा तेरे लॉयल कुंज कितना बड़ा धोखेबाज और ड्रामेबाज है। सी, गो अहेड।